जैसे ही हम एक इंसान के रूप में पैदा हुए, किसी तरह से हमारी जिंदगी जटिल हो गई। अगर हम इस धरती पर दूसरे और किसी प्राणी की तरह आए होते तो जिंदगी बड़ी आसान होती। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और एक दिन मर जाना। अब हमें भी ये सब चीजें करनी होती हैं, पर किसी तरह से आप अभी जहां हैं, अभी जिस भी स्थिति में हैं, वो पर्याप्त नहीं है, है ना? आप अभी जो हैं उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ पैसा जानते हैं तो शायद आप थोड़े और ज्यादा पैसे का सोच रहे हों। अगर आप सिर्फ मजा करना जानते हैं तो थोड़ा और मजा, पावर, थोड़ा और पावर। हर कोई जैसा वो अभी है उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहता है। The process of desiring is continuously going on. इच्छा करने की ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। चाहे आप काम पर जाएं, या आप बार में जाएं, या फिर आप मंदिर जाएं, चाहे आप शादी करें, आप बच्चे चाहें, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ें, जीवन में ये सब प्रयास, सब कुछ खुशी की तलाश में था, है कि नहीं? पिछले 100 सालों में विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल से हमने इस धरती का चेहरा ही बदल दिया है। आज हमारे पास ऐसी सुख सुविधाएं हैं जिनकी इससे पहले की कोई दूसरी पीढ़ी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। निश्चित ही हम इस धरती की वो पीढ़ी हैं जो सबसे ज्यादा आराम में है, ऐसा ही है ना? पर क्या हम सबसे खुशहाल पीढ़ी भी हैं? तो ये कारगर नहीं हुआ। हर प्राणी ने, पेड़ पौधों से लेकर जानवर तक, हर किसी ने, जिसमें इंसान भी शामिल हैं, इन सब सुविधाओं को बनाने के लिए सब ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और तब भी हम खुश तक नहीं हैं। तो मतलब क्या हुआ? आज हमने कई तरह से दुनिया की इंजीनियरिंग की है ताकि ये हमारे लिए बेहतर काम करे, है ना? पर हमने खुद के बारे में कुछ भी नहीं किया है। समय आ गया है कि हम इस पर अच्छे से गौर करें, है ना? पिछले 24 घंटों में आपने आनंद के कितने पल गुजारे? जब आप 5 साल के थे, आप बच्चे थे, तब 24 घंटों में आपके आनंद के कितने पल होते थे? किसी तरह पूरा समीकरण ही उल्टा हो गया है। फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हैं, चाहे आप महल में हो या स्वर्ग में, पर अगर आपकी आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उसके कोई मायने नहीं, है ना? ये मन परमानंद का स्रोत हो सकता था, पर ज्यादातर लोगों के लिए ये मन दुख का स्रोत बन गया है। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, क्यों? बस इसलिए कि आपको इसे संभालना नहीं आता, है ना? See, there's only one problem with your life. Life is not happening the way you think it should happen. That's the only problem. देखिए, आपके जीवन के साथ सिर्फ एक समस्या है। जीवन वैसा नहीं हो रहा जैसा आप सोचते हैं कि इसे होना चाहिए। यही एकमात्र समस्या है। क्या कोई दूसरी प्रॉब्लम है? आपके आसपास का कोई भी 100% आपके हिसाब से नहीं होगा, है कि नहीं? कोई भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा, ये ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये वाला आपके हिसाब से नहीं चल रहा, यही समस्या है, है ना? लोगों ने ये निष्कर्ष निकाल रखा है कि तनाव तो उनके जीवन का एक हिस्सा है। तनाव आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। बात बस इतनी है कि आपको अपने शरीर को संभालना नहीं आता, अपने मन को, अपनी भावनाओं और अपनी जीवन ऊर्जाओं को संभालना नहीं आता। सब कुछ इत्तफाक से हो रहा है। तो अगर चीजों को आपके हिसाब से होना है तो इस दुनिया में आपने ये समझा कि आपको उनकी इंजीनियरिंग करनी होती है। यही आपके साथ भी है। आपकी कोई आंतरिक इंजीनियरिंग नहीं की गई है, है ना? बस इत्तेफाक से आप चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके भीतर एक सही तरह की केमिस्ट्री बनाने की, जहाँ शांत और आनंद में होना आपके लिए बिल्कुल स्वाभाविक होगा,